हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर एसएससी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे एसएससी एमटीएस टायर टू का जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में। तो इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको दे चुका हूँ। आज मैं फॉर्मेट बताने वाला हूँ आपको, लेटर का जो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर है हिंदी में किस हिसाब से हमें उसको लिखना होगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था, लेकिन इंग्लिश में। तो बच्चों के कमेंट आ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि सर हिंदी में बताओ, हिंदी में किस हिसाब से होगा। तो फ्रेंड्स, पैटर्न में कुछ चेंजेस नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपकी डिमांड के ऊपर मैं लेके आया हूँ हिंदी में किस हिसाब से लिखना है। तो आपको सामने आपका पैटर्न दिख रहा है, उसके पहले जो कुछ चीज़ें हैं कन्फ्यूजन है बच्चों में, थोड़ा उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, फॉर्मेट के अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन बना हुआ है बच्चों के अंदर, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले बता दूं मैं आपको, पेन के लिए भी बच्चे पूछ रहे थे कि सर पेन कौन सा यूज़ करना है, जेल पेन, बॉल पेन। तो आपको फ्रेंड्स बॉल पेन यूज़ करना होगा। आप अपने साथ एक ब्लैक पेन भी यूज़ रख लो अच्छा सा, और ब्लू पेन भी रख लो। हो सकता है आपको एग्ज़ाम सेंटर में भी पेन दिया जाए, लेकिन कभी देते हैं कभी नहीं देते, तो आप अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास रख लो, ठीक है। उसके बाद ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं लेटर के बारे में कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती है इंपॉर्टेंट। पहली चीज़, तो कॉमास में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं बच्चे, कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, कहाँ पे। उसके बाद स्पेस में कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे स्पेस देना है, कहाँ पे स्पेस नहीं देना है। तो आज ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 55A दिख रहा है, तो ऐसे कोई नंबर होंगे, तो उसके बाद हम लोग कॉमा यहाँ पर जो दिया हुआ है वो कॉमा वहाँ पर हम लोग देते हैं। उसके बाद नीति कॉलोनी दिया है, नई दिल्ली, 21 जून 2017, ठीक है। यहाँ पर भी एक कॉमा होता है डेट के बाद, ठीक है। यहाँ पर एक कॉमा देख लो आप लोग, जून के बाद एक कॉमा होता है। उसके बाद कॉलोनी के बाद कोई कॉमा नहीं, नई दिल्ली के बाद कोई कॉमा नहीं। आपने दूसरे फॉर्मेट देखे होंगे, वहाँ पे कॉमा दिया होगा। तो दोनों फॉर्मेट करेक्ट है, रॉन्ग कोई भी नहीं है। आप कोई भी एक फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो, एक तो कॉमास वाला फॉर्मेट फॉलो कर लो, या फिर बिना कॉमास वाला फॉर्मेट फॉलो कर लो, ठीक है। उसके बाद स्पेस की बात आती है, तो के एड्रेस के बाद पहला जो एड्रेस दिया है ये होता है सेंटर का एड्रेस, ठीक है, हमारा सेंटर का एड्रेस होता है। उसके बाद स्पेस देना है या नहीं देना है, डायरेक्ट डेट लिखना है। तो उसमें भी वही बात आती है, स्पेस देते हो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं देते हो कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेस देते हो तो भी अच्छा है, थोड़ा आपका खुला खुला अच्छा लगेगा, नहीं देते हो तो कोई भी उसका इशू नहीं है। लेकिन जब आप डेट लिख चुके होते हो, उसके बाद आपको स्पेस नीचे देना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक स्पेस दिया हुआ है। जब स्पेस की बात हो जाती है तो नीचे आते हैं हम लोग सेंटर के एड्रेस के बारे में और नेम के बारे में। ऊपर मैं बता दूँ आपको, नाम ऊपर लिखना नहीं है अपना, और ख़ासतौर से अपना नाम तो लिखना ही नहीं है, क्योंकि वो चीट केस बन जाता है फिजूल में। वो ऐसा होता है कि जैसे आप एग्जामिनर को कुछ इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा कुछ करना नहीं है हमको। अगर आपको वहाँ पे नाम दिया है लिखने के लिए तो आप लिखो, वरना नीचे आप यहाँ पे दिख रहा है जहाँ पे एक्स वाई जेड, आपको यहाँ पे आपको नाम लिखना है, वो भी उन लोगों ने जो दिया है वो क्वेश्चन में, ठीक है। हम लोग यहाँ पे थे, जो सेकंड एड्रेस होता है वो होता है हमारे रिसीवर का, ठीक है। तो उसमें हम देखो, यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है कि हम लोग खेल सचिव को लिख रहे हैं, भारत सरकार नई दिल्ली में। आप इसके अगर न्यूज़पेपर को कोई लिख रहे हो, तो आप यहाँ पे खेल सचिव की जगह पे संपादक लिख लोगे, उसके नीचे भारत सरकार की जगह पे आप जो जिस पेपर कंपनी है उस पेपर कंपनी का नाम लिखोगे और एड्रेस लिखोगे। उसके बाद आपको वहाँ पे एक और स्पेस देना है, उसके बाद नीचे स्पेस देने के बाद आपको लिखना है विषय। विषय आपका शॉर्ट होगा, एक लाइन में आप लिख लोगे, एक से डेढ़ लाइन में, जितना शॉर्ट होगा उतना आपका, मतलब एक डिटेल होगा किस बारे में आपका लेटर है, किस चीज़ की कंप्लेंट कर रहे हो या क्या कर रहे हो, वो थोड़ा सा होगा कि इस बारे में हमारा ये लेटर है। लेटर होने के बाद में हम लोग शुरू कर देंगे हमारा पहले महोदय से। उसके बाद नीचे आती है लेटर की बॉडी। पहला जो बॉडी होता है, पहला पार्ट आपको हल्का सा एक्सप्लेन करना होता है, इंट्रोडक्शन करना होता है क्या है वो टॉपिक। सेकेंड पार्ट आपका जो होता है वो मेन कंटेंट का होता है, उसके अंदर आपको अच्छे से बताना पड़ता है क्या प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली में। और तीसरा पार्ट होता है कंक्लूजन पार्ट, सजेशन पार्ट, आप क्या बोलना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो, मतलब क्या नीड है आपकी, आपने क्यों लेटर लिखा है वो होता है। उसके बाद आप धन्यवाद कर दोगे और आपका विश्वासी नीचे एक्सपायरी जो नाम लिखा हो दिया हुआ होगा वो नाम लिख लोगे, ठीक है। तो ये था, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट था। इसके बाद दूसरा हम लोग बात कर लेंगे इनफॉर्मल की। पहले इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा किसी चीज़ का, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लो, उसका जवाब दे दूंगा आपको मैं। और जो आपका और एक चीज़ फ्रेंड्स, आपका जो आता है एग्ज़ाम में वो बॉक्स इस टाइप का होता है, आपका जो आंसर शीट होती है वो इस टाइप की होती है, और इसमें आपको लिखना होता है। अब किस हिसाब से आपको इसके अंदर लिखना होता है वो भी मैं आपको अपने शायद आज या कल की वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, इसके अंदर भी लिख के लेटर वगैरह। या आपको कमेंट में आ रहे थे बच्चों के, सर हिंदी में पहले फॉर्मेट बता दो, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी ये वीडियो लेके आया हूँ। उसके बाद ये बॉक्स में किस तरह से लिखना होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है इसमें भी कि डेट कैसे लिखेंगे, बॉक्सेस वगैरह कहाँ पर लगाएंगे, ये सारी चीज़ें, तो वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको। अभी हम लोग ज़रा इनफॉर्मल के बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी सिंपल सा होता है, कुछ हार्ड नहीं होता उसके अंदर भी। देखो यहाँ पे दिख रहा है, पहले हम लोग ऊपर सेंटर का एड्रेस यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर।
वही पिछले बार के जैसा, यहाँ पे जून के बाद कॉमा देना है आपको, ठीक है। तारीख लिखना है, उसके बाद एक स्पेस देना है, लेकिन यहाँ पे विषय वगैरह हमको कुछ नहीं लिखना होता है, क्योंकि हम लोग ये हमारे दोस्त को, फैमिली मेम्बर को लिखते हैं। तो हमारा दोस्त को हम लोग लिख रहे हैं, या हमारे भाई को लिख रहे हैं, या किसी को लिख रहे हैं, तो हम प्रिय भाई रोहन वगैरह जो भी नाम दिया रहेगा वो लिख लेंगे। अगर या फिर हम लोग अगर किसी हमारे बड़े को लिख रहे हैं, मम्मी पापा को लिख रहे हैं, अंकल को लिख रहे हो, तो हम लोग यहाँ पर लिखें आदरणीय माँ, आदरणीय बापू जी, इस तरह का लिखेंगे, और उसके बाद कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद हम लोग नीचे जब स्टार्ट करेंगे तो पहले लिख लेंगे शुभ आशीर्वाद, ये किसके लिए, हम छोटे भाई को लिख रहे हैं या अपने से छोटों के लिए लिख रहे हैं, तो या फिर बड़ों को लिख रहे हैं तो सादर चरण स्पर्श हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग की मेन बॉडी होगी, मेन बॉडी भी हमको 2 से 3 पैराग्राफ में अच्छे से लिख के ख़त्म करना है। उसके बाद नीचे आपका प्रिय पुत्र पुत्री या जो भी होगा वो लिख लेना है, और जो नाम दिया हुआ है नीचे नाम लिख देना है। याद रखो, वापस से अपना नाम नहीं लिखना है उसके अंदर, और बॉक्स के अंदर जो आता है वो किस तरह से लिखना है वो भी मैं आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चैनल आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्रिप्शन बटन के बाजू में जो बेल आइकॉन का बटन है उससे भी क्लिक कर लो, ताकि हमारा जो भी वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपको एकदम टाइम टू टाइम पहुंच जाए। और इसके अलावा कोई नई अपडेट होगी तो उसका भी वीडियो बना के हम लोग तुरंत आप तक पहुँचा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।